मुझे ज्यादातर फीडबैक गुजरात और गुजराती रिलेटेड ऑडियंस से बहुत आ रहे हैं, बिकॉज कैरेक्टर गुजरात बेस्ड है और केसरबा का लहका भी गुजरात के काठियावाड़ रीजन का लहका है, तो मुझे ज्यादा फीडबैक उस तरफ से आ रहे हैं बिकॉज वो लोग बहुत रिलेट कर रहे हैं केसरबा के कैरेक्टर से। हाँ, हमारे सौराष्ट्र में यानी कि काठियावाड़ में कहा जाता है कि औरत है ना, वो एक डंडा लेकर शेर को भगा सकती है, वो खून अरे वाह रखती है जी। तो वाह, केसरबा के अंदर आपको वो अंश दिखता है, उसकी हिम्मत, उसकी फिजिकल ताकत से ज्यादा एक औरत की हिम्मत है जो उसको बहुत सारी चीजें पार करने में मदद करती है, या बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ वो अकेली लड़ ले, तो वो अंश हमारे केसरबा में है और इसलिए लोग उसे बहुत रिलेट भी कर रहे हैं और बहुत प्यार भेज रहे हैं, जिसके लिए मैं भगवान की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए जो केसर बा है ना वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, और कहीं ना कहीं केसर बा को देखकर आजकल की औरतें है ना मेंटली स्ट्रांग होने की पूरी कोशिश कर रही हैं। एक तरफ से देखा जाए तो है ना अच्छी चीजें ही जा रही हैं समाज में, तो उसके बारे में क्या जी कहेंगी? बिल्कुल। एक्चुअली ऐसा है कि हमारी हिंदुस्तानी औरतों में मेंटल स्ट्रेंथ बहुत है, उसके अलावा वो एक पूरा घर, इतने सारे लोगों से भरा परिवार संभाल ही नहीं सकते। अगर इसको हम बाहरी दुनिया के या वेस्टर्न वर्ल्ड की साइकोलॉजी के तौर पर देखें, जहां उनको आदत ही नहीं है जॉइंट फैमिलीज को संभालने की, तो उसके बिल्कुल सामने हिंदुस्तानी औरतें जॉइंट फैमिली करीब 36-40 लोगों की जॉइंट फैमिली संभाल लेती है हिंदुस्तानी औरतें, और वो बाएं हाथ का खेल है उनके लिए। अगर आप इसको वेस्टर्न वर्ल्ड की साइकोलॉजी के मार्केट में देखेंगे तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कौन सा साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है हिंदुस्तानी औरतों में कि वो इस तरह संभाल लेती है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल हम टेलीविजन के माध्यम से, नेशनल टेलीविजन के माध्यम से, जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पर बाहर भी प्रसारित होता है, हम हमारे कल्चर का एक दर्पण पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ केसरबा जैसी औरतें घर घर में पाई जाती है। काफी औरतें केसरबा की तरह बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर पाती है, काफी एक्सप्रेस किए बगैर, लेकिन वो बहुत साइलेंटली सब कुछ संभाल लेती है। तो केसरबा हर घर में, हर औरत में बसती है, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता है, इतना ही फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, और सही बात है, भक्ति ने गदर में गदर तो मचाया है और हमें लगता है केसर बनकर भी गदर मचा रही है, क्यों? जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो गदर मचना शुरू हुआ है गदर टू से, वो अब तक रुका ही नहीं है, और मुझे अभी भी उसके बिल्कुल तड़ाके भड़ाके मेरे आसपास फील हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा गदर टू इतना मतलब फेमस हो जाएगी, वैसे तो इतने सालों बाद वापस आई है और इतनी हिट हो जाएगी, आपको अंदाजा था कि ये दर्शक उतना ही प्यार करेंगे? जो नई जनरेशन है वो भी उतना ही नहीं, प्यार करेगी? मुझे पूरी अपेक्षा थी कि इतना ही प्यार मिलेगा। देखिए, उसकी कुछ बहुत लॉजिकल कारण है। एक तो जो भावना है ना देश प्रेम की, वो भावना बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में कायम है, चाहे कितनी भी सही कहा है, जनरेशन बदल जाए, पेट्रियटिज्म खत्म नहीं होने वाला है। और उसके लिए हम कोई बेवकूफ प्रजा की थोड़ी है, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम बहुत होशियार हैं, हमको पता है हमारा कल्चर क्या है, हमारा इतिहास क्या है, और वो हर जनरेशन जानती है अपने पिछले जनरेशन से, अपने इतिहास पढ़ पढ़ के, तो हर किसी को पता है कि हिंदुस्तान ने किस तरह एकजुट होकर हर अलग अलग तरह की लड़ाइयों का सामना किया है और हम जीत कर बाहर निकले हैं। और आज की तारीख में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो एक लहर चलाई है पूरे देश में देश प्रेम की, वो लहर इतनी स्ट्रांग है कि अगर देश प्रेम शायद कोई भूल भी रहा होगा तो उनको सबको वापस याद आ गया है। गदर अपने आप बिल्कुल में भले ही एक प्रेम कथा है, प्रेम कथा हर इंसान को पसंद है, हर इंसान की जिंदगी में एक प्रेम कथा होती है, उनके मन में, उनके जीवन में। तो प्रेम लव स्टोरी से तो हिंदुस्तान चलता है भाई, हिंदुस्तान ने जितनी लव स्टोरियां दी है इतना तो किसी ने नहीं दी। तो एक प्रेम कथा भी है, देश प्रेम की लहर है, बाप बेटे का इमोशन है, ये सब कुछ रिलेटेबल है, क्यों नहीं चलेगी पिक्चर? और लोगों का थिएटर में उतर कर नाचना, वो कमाल का एक्सपीरियंस था। मैं, आप नहीं मानेंगे, मुझे प्रोडक्शन से ऐसा कहा गया कि आप एक बार लोकल थिएटर में जाकर देखिए मैडम, तो मुझे एक दो अच्छा जन ने कहा तो मैं हाँ 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 कर दिया, फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा लोकल थिएटर में देखी कि नहीं आपने मैम, मैंने सोचा अब तो जाके देखना पड़ेगा, तो मैं ना एकदम सिंगल स्क्रीन लोकल थिएटर जो होता है ना, मैं वहां गई मास्क वास्क पहन के,
और मेरा पूरा परिवार आया मेरे साथ, मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मेरी माँ, मेरी बहन, सब लोग आए। सब बोले हम भी आएंगे मास्क पहन के देखने, देखते हैं। और वहां मैंने जो लहर देखी है, मुझे एक डायलॉग के बाद अगला डायलॉग सुनाई नहीं दे रहा है। लोग इतना चिल्ला रहे हैं, इतनी तालियां सीटियां, मुझे ऐसा लगा कहीं एक दो दशक के बाद ये एक्सपीरियंस करने को मिला है। और उसके लिए गदर को और अनिल शर्मा को हैट्स ऑफ, उनको कमाल उन्होंने क्रिएट कर दी वो पूरी लहर के लोग वापस थिएटर में आए और थिएटर में जल्लोश हो रहा है, फेस्टिवल चल रहा है थिएटर में। आई एम हमें सो हमें प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ये तो सही कह रही जी है, फेस्टिवल की तरह आई है गदर 2, लेकिन हम सुने हैं गदर 3 भी आने की तैयारी कर रही है, तो ओमे भी भक्ति अपना गदर मचाएंगे कि नहीं? देखिए, ये तो बहुत अंदर की बात हो जाएगी, अच्छा है ना? तो अगर गदर 3 आ रही है तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसका हिस्सा जरूर बनूं। हालांकि ये सब कुछ बहुत ही स्क्रिप्ट पर दारोमदार रखता है पूरा, कि स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है, कौन से कैरेक्टर्स, कौन से एक्टर्स की डिमांड रखता है स्क्रिप्ट। लेकिन इस वक्त ऐसे समय में जब स्क्रिप्ट हम सबसे ऊपर होती है, प्रोड्यूसर से भी ऊपर स्क्रिप्ट होती है, हम हमेशा ये कहते हैं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबसे ऊपर स्क्रिप्ट है, कहानी है, तो मैं कोशिश ये करूंगी अपनी तरफ से कि भाई ये मौका तो हाथ से ना छूटे। और मुझे आशा बिल्कुल, है मौका मत कि छूटे, अनिल जी मेरा मेरा साथ देंगे इसमें। अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि आप मौका बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। कैसे भक्ति से तो लोग एकदम प्यार वाली भक्ति करने लगे हैं, लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे, आपका जो किरदार है केसर का, वो टीवी पे एकदम अलग ही जी दिखती है और अभी आप एकदम अलग दिख रही हैं। मतलब कछु लोगों ने कहा ही होगा कि नहीं, टीवी में जो है वो आप नहीं है, कोई और है, ऐसा कभी कहा है? हाँ, काफी बार ऐसा होता है कि क्या होता है, हम कई किरदार जिसका लुक बहुत अलग है। अच्छा, मुझसे उम्र बहुत बड़ी है केसर बाई, तो मेरी उम्र से बहुत बड़े उम्र का पात्र मैं निभा रही हूँ, तो काफी बार हम लुक पर इतना काम करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, आवाज पर काम करते हैं, एक तरह का आवाज यूज करना वगैरह वगैरह, तो काफी बार ऐसा होता है कि सामान्य लाइफ में लोग पहचान नहीं पाते हैं, और कभी कभी आवाज से पहचान जाते हैं, बात करने के तरीके से पहचानते हैं, या कभी कोई एक्सप्रेशन से पहचान जाते हैं, ये केसर भाई तो आप इतना अलग कैसे दिखते हैं? तो वही तो मेरा काम है, वही तो बिल्कुल हमारा ट्रेडमार्क है भाई, यही तो मेरा काम है कि आप मुझे पहचान ना पाओ, ये मेरी सक्सेस है कि मैंने अब तक भक्ति को नहीं, मैंने अब तक केसर को पहुंचाया है, और वो मेरे बिल्कुल लिए सबसे बड़ी सफलता है। तो जी, ये बिल्कुल होता है। आई विश मुझे ज्यादा पहचान जाए या मुझसे आके बात करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग आकर बात करते हैं, फीडबैक देते हैं कि उन्हें केसर में क्या अच्छा लगा, कहानी में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं वगैरह, तो हम ऑडियंस से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन काफी बार नहीं पहचान, मैं क्या करूँ। अच्छा ये बताइए, केसर का जब किरदार आपके पास आ रहा, देखिए कहीं ना कहीं जो सीरियल है ना, दिया और बाती के तर्ज पर लाया गया है, ठीक है, ऐसी मतलब मिली जुली कहानी नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें एक सास थी, इसमें भी एक सास है, बा मतलब सबने उनको पसंद किया, भाभो को और केसर, तो कहीं ना कहीं डर भी रहता है कि अरे लोग कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन तो हमारी दर्शक करती ही करती है, तो एक डर भी होता है कि अरे हमारा कंपेरिजन कहीं उससे ना हो, कहीं ऐसा ना हो, तो ये सब चीज का आपको पहले से अंदाजा था? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बहुत हिस्टोरिकल बात करती हूँ। हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में कहा जाए तो एक सबसे बड़ी कहानी है महाभारत, जो इतनी बड़ी है जिसके अंदर इस दुनिया की सारी कहानियों का समावेश। तो बिल्कुल अब जितनी कहानियां बनती है उसका एक अंश या उसकी एक सब प्लॉट आपको महाभारत में मिल जाए, तो क्या आप ये कहेंगे कि अरे ये महाभारत पर से उठाया गया है? नहीं। अच्छा, कितनी सारी लव स्टोरीज, चलिए यश चोपड़ा जी ने बनाई है, सारी बिल्कुल लव स्टोरीज है, हीरो हीरोइन मिलते हैं, प्यार में गिरते हैं, कठिनाइयां आती है, जुदा हो जाते हैं, फिर लड़ाई लड़ते हैं, फिर मिलते मिल जाता है। हैं, तो ये तो कुछ कॉमन प्लॉट्स हो जाते हैं ना, ऐसे तो कई कॉमन प्लॉट्स हैं। आज मुझे गर्व इस बात का होता है कि स्टार प्लस जैसी चैनल है या शशि सुमित जैसा प्रोडक्शन हाउस है, ये लोग एटलीस्ट इस प्रयत्न में है कि हम आज के समाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं उसको आधार रख के एक स्त्री को आगे बढ़ाते हुए, नए विचारों को समाज में इंट्रोड्यूस करते हुए हम कोई शो बनाए। तो भाई, एक स्त्री है जो इतनी स्ट्रांग है, जैसे हमारी रुक्मणी है जो विचारों से स्ट्रांग है, उसके पिता का पात्र इतना खूबसूरत है कि वो अपनी बेटी को बेटे की तरह बिना किसी भेदभाव के रेस कर रहे हैं, उसको एम्बिशन दे रहे हैं लाइफ में कि भाई तुम्हारा ध्येय शादी करना नहीं है, तुम्हारा ध्येय है इंसाफ दिलाओ,
या ऐसा कोई बड़ा ध्येय रखो जिससे समाज को कोई फायदा हो। तो ये हो गया उनकी एक विचारधारा। दूसरी तरफ केसर का अपना एक अपनी कहानी है कि भाई उन्होंने अपनी जिंदगी में, अपने पारिवारिक जिंदगी में सब कुछ देने के बाद उन्होंने धोखा पाया, उसकी वजह से उनमें आते हुए बदलाव और उनका जो एक कैरेक्टर बन गया है वो स्ट्रांग बनते गई, वो टूट नहीं गई है जिंदगी में आए हुए धोखे से, उसकी मतलब वो स्ट्रांग बनी और वो और लड़ाई लड़ रही है, वो जिंदगी में कुछ नियम बनाती है। और अब केसर बा का पिछला अनुभव, रुक्मणी का पिछला अनुभव, ये दो अनुभव दो अलग विचारधारा रखते हैं और जब वो बिल्कुल क्लैश होते हैं तो किस तरह की दिक्कतें आती है और उस दिक्कतों को किस तरह पार करना है। मुझे लगता है कि ये कहानी अपने आप में बहुत ही यूनिक कहानी है। अब आप इसे चाहें तो किसी और के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ना चाहे मत कीजिए, कोई बात नहीं। अगर दियाबाती से कंपेयर होता भी है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी और गर्व की बात है, क्योंकि दियाबाती अपने आप में बहुत खूबसूरत कहानी थी, बहुत ही सक्सेसफुल शो था, कलाकारों ने बहुत उम्दा काम किया था और सेम प्रोडक्शन हाउस और सेम चैनल का शो। कोई बात नहीं, किसी अच्छी चीज से ही कंपेयर हो रहा है ना, हमें कोई दिक्कत के नहीं है। तर्ज कुछ भी हो, किसी भी सीरियल से लिया गया हो, लेकिन कहानी डिफरेंट है। इसमें थोड़ी अलग चीजें दिखाई गई हैं, बस थोड़ी क्या, हमें लगता है बहुत सारी अलग चीजें दिखाई गई हैं वो में। मतलब इसमें जो केसर है, केसर बा, वो एकदम स्ट्रांग वुमेन, मतलब कैसे कैसे अपने अतीत में लड़ी और कैसे कैसे अपने बच्चों को पाला पोसा, अपना खुद का दुकान खोला, मतलब एक अलग ही अपने आप में कहानी है। लेकिन भक्ति, आपसे जानना चाहेंगे, जब केसर का किरदार आपके पास आया तो एक जो कलाकार होता है ना, तो अपने किरदार में ढलने की पूरी कोशिश करता है और कुछ कुछ अपना इनिशिएटिव भी देता है ना? तो आपसे जानना हाँ, चाहेंगे, आपके किरदार में, आपके लुक में, पहनावे में भक्ति का कितना योगदान रहा है? जितना मीनू मौसी का है ना अपने किरदार में, बस उतना ही रहा है, शायद उससे 1 टका कम रहा है। जब केसर किरदार मेरे पास ऑफर हुआ मुझे, तब मैं ऑलरेडी एक नई फिल्म की शूटिंग पर काम कर रही थी और मेरा एक शो ऑलरेडी चल रहा था। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी किरदार के नसीब में आप और आपके नसीब में किरदार लिखा होता है। तो मैं ना ढूंढने गई थी, ना मैंने सामने से किसी से कोई बात की थी, मुझे अचानक फोन आया और वो लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि ये करना ही है। उनको सिर्फ एक इश्यू था कि ये कंसर्न था उनका कि भाई मैं उस लुक में लगूंगी कि नहीं, क्योंकि केसर बा को हमने 25-30 साल से लेकर आज जो उम्र है उनकी वहां तक हमने पूरी जर्नी दिखाई, तो उस उम्र के में लगूं। तो हमने एक दो लुक टेस्ट किए, मुझे बहुत पसंद आता है अलग अलग लुक में ढलना, तो वो उतना हमने किया। और फिर उन्होंने मुझे जब पूरी कहानी बताई और केसर का किरदार बताया, आप नहीं मानेंगे, मैं इतना हेड ओवर हील्स तो मैं अपने हस्बैंड के प्यार में भी नहीं गिरी जितना मैं केसर के प्यार में गिर गई। अच्छा, मुझे अरे इतना पसंद वाह, आया, मेरे लिए केसर एक संपूर्ण स्त्री है। उस औरत में, एक स्त्री में जो छोटी मोटी खामियां होनी चाहिए होती भी है। क्या होता है ना, आपका कोई खामी नहीं है, आप बहुत अनरियलिस्टिक कैरेक्टर, ऐसा नहीं हो, आप में खामियां हैं, आप उसको रियलाइज करते हैं, आप उसको ओवरकम करते हैं, उसकी वजह से जिंदगी में अलग अलग पड़ाव आते हैं, वो सब कुछ है। और उसके जो आदर्श है उसको पता है कि जो सच है जो सही है हमें वही करना, भले वो कठिन क्यों ना हो, तुम्हारे लिए हो मेरे लिए। तो केसर का किरदार इतना खूबसूरत था, उन लोगों ने जिस दिन मुझे बैठ के पूरा किरदार और पूरी कहानी बताई, उस दिन से मेरे अंदर केसर ने एक जन्म ले लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर उसका बीज बो दिया गया हो। उन लोगों ने वो काम भी इतनी खूबसूरती से किया, पूरी टीम बहुत वंडरफुली केसर को लेकर इतनी क्लियर थी, क्योंकि अल्टीमेटली वो उनका बेबी था और वो बच्चा केसर नाम का उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया पालने के लिए, और मैंने उसको उतनी जतन से रखा भी है। उसके बाद हमने उसके ऊपर तकरीबन 1 महीना काम किया केसर के ऊपर, क्योंकि बाकी किरदार भी जुड़ रहे थे साथ साथ। फॉर्चुनेटली केसर सबसे पहले कास्ट होने वाले 2-3 लोगों में से थी। तो और केसर के वो किरदार ऐसा है कि केसर जो करती है उसकी वजह से लोगों के जीवन में बहुत अलग अलग तूफान आते रहते हैं, तो बिल्कुल इसकी वजह से सारे कॉन्वर्सेशन लोगों के केसर के साथ होने जरूरी है, सीन्स होने, डायलॉग्स होने। तो भाई केसर के साथ केमिस्ट्री कैसी बैठ रही है दूसरे लोग जो कास्ट हो रहे हैं उसके लिए। तो मैंने तो कहा भी था कि मेरा लिटमस पेपर हो गया है, जो साइंस लेबोरेटरी में होता है ना, अलग अलग केमिकल्स है, एक लिटमस पेपर है, उसको सब केमिकल में डाल के देखो तो केमिकल टेस्ट हो रहा है। तो मैं बोला मेरा तो लिटमस पेपर हो गया है, सारे केमिकल में आप मुझे डाल डाल के देख रहे हो। बट वी एंजॉयड द प्रोसेस सो मच,
मैंने काफी घंटे दिए वहां पर, मैंने हर सीन को बार 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 रिहर्स किया, पढ़ा। हमारे पास तब सिर्फ शुरू के 2-3 एपिसोड थे, ज्यादा था नहीं, तो मैंने उसी को पूरा मनोमंथन किया। एंड आई रियलाइज कि एक्चुअली मैंने अगर ये ना भी किया होता ना, तो वो इतनी मेरे अंदर आ चुकी थी पहले ही दिन से, कि हमने जब पहली बार रीडिंग करने बैठे और मैं दूसरे किरदारों के साथ कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता मेरे अंदर से कैसे वो आवाज निकल रही है, केसर की बात करने का तरीका निकल रहा है, वो एक बॉडी लैंग्वेज आ रही है, मेरे एक्सप्रेशन भी वैसे ही निकल रहे हैं। मुझे तो हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने पूछा भी कि आप कितने दिन से रिहर्स कर रही है, आपको कभी मिली स्क्रिप्ट? बोले सर अभी आपके सामने ही तो मिली है, सबको एक साथ तो मिली है बंच, क्या बात कर रहे हो, तो आपने कैसे कभी रिहर्स कर लू? मतलब नहीं किया है सर मैंने रिहर्स। बट वो केसर मेरे अंदर इतनी पनप चुकी थी कि अब आज की तारीख में मुझे और केसर को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई करेगा मार डालूंगी। देखिए ऐसा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही हर किरदार पे लिखा है बिल्कुल हर कलाकार का नाम। तो हमें लगता है ये जो केसर बार आप ही के नाम पे लिखा था, इसलिए वो आप ही के पास आया। वैसे देखिए अरे दर्शक जी मुझे ना, बहुत सही, अब मेरा सवाल था, बहुरानी के स्वागत में कितनी तैयारी कर रखी है केसर ने? केसर बा ने तो बहुत तैयारी, मैंने बहुत तैयारी कर रखी है बहू रानी के स्वागत में। देखिए मेरे कुछ नियम है और उसके लिए मेरे अपने बहुत ही जायज कारण है। वो नियम घर की बेटियां भी फॉलो करती है और वही नियम घर की आने वाली बहू भी निभाए। जैसे आपको पता है मुझे छोटे बाल पसंद नहीं है, ये तो मुझे मजबूरी में थोड़े कटवा लेने पड़े, बाकी बहू और बेटियों के बाल लंबे ही होने चाहिए। उसके पीछे साइकोलॉजी है, जो छोटे बाल रखती है लड़कियां वो अपनी विचारधारा को बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा आगे ले जाती है, तो वैसे लंबे बाल होने चाहिए, कपड़े पहनने का तरीका होना चाहिए, जितना ज्यादा ढको उतनी ज्यादा स्त्री खूबसूरत लगती है, स्त्री मर्यादा में प्यारी लगती है, स्त्री जब पुरुष बनने लगती है तो फिर उसका स्त्री होने का मतलब ही क्या है, तो उसके अंदर स्त्रीत्व के सारे गुण होने चाहिए। जैसे मैं कह रही हूँ सर्व गुण संपन्न लड़की चाहिए मुझे, भले ही वो मल्हार की बहू हो या सुमेध की हो, लड़की सर्व गुण संपन्न चाहिए। फिर घर के सारे काम आने चाहिए, जिम विम नहीं जाने का, तुम जिम जाके जो एक्सरसाइज करते हो वो तो सारे घर के सारे कामों में हो जाते हैं, तो घर भी साफ रहेगा, घर के काम भी होते रहेंगे और तुम्हारा फिगर भी मेंटेन होगा, फिर और क्या प्रॉब्लम है, फिट रहोगे। खाना बनाना आना चाहिए, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि स्त्री भोजनेशु माता, शयनेशु रंभा, चरणेशु दासी और जीवनेशु मित्रा होनी चाहिए, अरे उसी वाह, तरह मेरी बहू ये सारे रोल्स पार करने चाहिए। अपने पति की जरूरत पड़े तब वो फ्रेंड बन सके, जरूरत पड़े तब वो दासी बन सके, क्योंकि ये सारे गुण एक स्त्री ही पूरे कर सकती है। क्या है, मर्दों को मल्टीटास्किंग नहीं आता है मीनू जी, स्त्रियों को बिल्कुल मल्टीटास्किंग आता है, वो खाना सही बनाते कह, बनाते बच्चे की बात का जवाब भी दे सकती है, सास को भी हैंडल कर सकती है और पति की बात का जवाब भी दे सकती है, और फिर भी खाने में नमक कम ज्यादा नहीं होगा। बिल्कुल सही कही, 100% वाली बात। और अगर मर्द काम कर रहा हो और उसको जाके सिर्फ इतना पूछ लो कि खाने में क्या बनाऊं या क्या खाओगे, मैं काम कर रहा हूं मैं अभी नहीं सोच सकता, अरे वो इतना भी मल्टीटास्क नहीं कर सकते। वो फोन चलाते चलाते बिल्कुल उनके सही हाथ कही, में अगर पानी का ग्लास दे दो तो उनको फोन रखना पड़ता है, वो पानी का ग्लास नहीं ले सकते, तो ये देखिए औरतें तो मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग होती ही हैं, आप सही कह रही हैं, लेकिन हमें तो यहाँ भक्ति भी एकदम डबल मल्टीटास्किंग लगी, मतलब पल में सोना, नहीं पल में भक्ति और पल में केसर बन गई। वाह मजा आ गया आपकी बातें सुनकर। थैंक यू सो मच। बस ये सारे गुण सर्व गुण संपन्न लड़की चाहिए मुझे, और बस अभी मिल जाएगी, ज्यादा दिन नहीं है। क्या है, भगवान को बोल दिया है ना, मैंने अर्जी डाल दी है द्वारकाधीश के पास, तो वो पूरी कर देंगे, उनका टेंशन है, मेरा टेंशन तो है नहीं, लड़की आ जाएगी, वो आने के बिल्कुल बाद क्या होगा वो है मजेदार। वो मजेदार है, सही बात है, दर्शक सब वही इंतजार कर रहे हैं कि कब केसर बा की बहू आए और फिर जो सास बहू का ड्रामा शुरू हो, एकदम कंपटीशन टसनबाजी, अरे वो आंखें देखने में ज्यादा खुलने शुरू दिलचस्पी है। होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सास बहू की टसनबाजी सभी दर्शकों को और भाए और लुभाए, और फिर से हम भक्ति, मतलब केसर बा और केसर बा की बहू रानी जो भी बने उनसे साथ में बैठ के बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी तो सब भाई, कभी दिवाली कभी होली, सब द्वारकाधीश बिल्कुल की आंख। बिल्कुल, चलिए आपसे बात करके वाकई बहुत मजा आया भक्ति। ऑल द बेस्ट आपकी नई बहुरानी आने के लिए, पहले से ही केसर बाप को बोल देते हैं।
और बाकी उम्मीद करते हैं कि जो गदर 3 आने वाली है उनमें भी हमें भक्ति वापस से नजर आ जाए। गदर 3 से पहले आपको एक दूसरा सरप्राइज जरूर मिलेगा। अनिल जी और हम वापस कोलैबोरेट करके एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, अरे वाह, जिसमें नाना पाटेकर जी मुख्य किरदार की भूमिका निभा रहे हैं। वाह, मतलब आते के साथ जाते के साथ ही गुड न्यूज देते हुए जा रही है। चलिए हम स्वागत करेंगे फिर से, यानी आपका, और उस जो आने वाली फिल्म है ना उसके किरदार के बारे में फिर से जानेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। अभी विदा लेते हैं, कैसे हम जी आपका भी समय ले रहे हैं और हमारा भी समय बहुत जा रहा है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। मैं 2 शब्द 2 सेकंड लेकर आपसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, और दर्शकों का भी जो आपके और हमारे कॉमन है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं ऋण निर्देश करती हूँ सारे दर्शकों का कि जितना प्यार वो आज तक देते आए हैं आगे भी उतना ही देते आए, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में भी सब कुछ कुशल मंगल हो, और हमारे घर की तो आपको पता चलती ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, और विदा लेते के साथ ही दर्शकों को भी कुछ कहना चाहेंगे कि सास और बेटे का जो YouTube चैनल है ना सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसो किरदार तो आप टीवी पे देख लेते हैं, लेकिन किरदार का जो कलाकार है वो की दिल की बात क्या है, वो मीनू मौसी के जरिए ही आप तक पहुंचेगी। तो कल फिर आएंगे मुलाकात करने, अभी जा रहे हैं, बाय बाय। मैं सब्सक्राइब कर रही हूँ, आप सब भी करिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।